क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दुबाला 916 हॉलमार्क ज्वेलरी MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल हैदरगुड़ा बशीरबाग हैदराबाद। यहाँ पर 2009 से आपके दरमियान में आपके खादिम की हैसियत से, कारपोरेटर की हैसियत से आपके दरमियान में रहकर काम किया। तो जब जब दो बार कारपोरेटर के अहदे के लिए नख़्मे मिल्लत अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे मौका दिया, आप तमाम ने अपने दुआओं के साथ, अपने इत्तेहाद के साथ आपके वोटों से मुझे कामयाब बनाया। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और साबिका तमाम मुकर्रिनों ने कहा कि मैंने आपके दरमियान में रहकर बेहतरीन काम किए। मैं बल्कि ये नहीं मानता, काम तो होते रहते हैं, काम सभी करते हैं, हर एक ने काम किया, लेकिन अगर मुझे ये अहदा मिला तो सिवाय आप तमाम की दुआओं की वजह से मिला, आप तमाम के इत्तेहाद की वजह से मिला। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि नख़्मे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस हलके से मीर बासित अली साहब को उम्मीदवार बनाकर आपके दरमियान में भेजा है। आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के हर फैसले की आपने हमेशा भरपूर तारीफ की है और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी 22 जनवरी के दिन अपने दुआओं के साथ अपने वोटों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट के हक में देकर आप तमाम फिर से एक बार यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम को बुलंद करेंगे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम का जिसने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ नक़ीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, मुझे आपकी खिदमत का मौका अता किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ हबीबे मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। मैं शुक्रगुजार हूँ मुल्ताज़ अहमद खान साहब का जिसने मुझे आपकी खिदमत का मौका अता किया है। 2005 में मुझे